कि जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको तो बाहर ना निकलें जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। या जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जिनको हार्ट की बीमारी है या जिनको किडनी उडनी की बीमारी है, वो भी ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलें। तो पूरे शरीर को कवर करके निकलें, कॉटन के कपड़े पहनें, और वो लूज होने चाहिए कॉटन के कपड़े भी। अपने सर को भी कवर करें और आँखों को भी कवर करें। अधिकतर लोग अगर अंदर रहें इन दिनों में जब तक ये हीट वेव चल रही है, तो बहुत ही अच्छा है। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। इन दिनों उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं। जिस तरह से लू चल रही है, वहीं दूसरी ओर अगर टेम्परेचर की बात करें तो कहीं 44 है तो कहीं 48 तक पहुंच रहा है। ऐसे में आप लोगों को किस तरह से इस गर्मी से बचना है और अपना बचाव करना है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, कहें तो कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तो किस तरह से लोग बचें इस गर्मी से? वो देखिए क्या करना चाहिए कि जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको तो बाहर ना निकलें जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। या जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जिनको हार्ट की बीमारी है या जिनको किडनी उडनी की बीमारी है, वो भी ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलें। अब बात आती है कि जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे पास जिसके पास गाड़ियां हैं वो तो गाड़ी में निकल जाते हैं, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है वो अगर बाहर निकलते हैं तो पूरे शरीर को कवर करके निकलें, कॉटन के कपड़े पहनें, और वो लूज होने चाहिए कॉटन के कपड़े भी। अपने सर को भी कवर करें और आँखों को भी कवर करें, और तब वो बाहर निकलें। एडिक्वेट पानी पिएं। और बाहर आके कुछ लोग क्या करते हैं कि जो नारियल पानी है उसको अधिक क्वांटिटी में पी लेते हैं, तो उससे अधिक मात्रा में पोटेशियम जाने से हार्ट अटैक होने का डर रहता है, तो उसको भी ज़्यादा नहीं पीना है। और जो ये वाला पानी है, इसमें थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के साथ में रखें। अब बात आती है जो गाड़ी वाले बाहर निकलते हैं, उनको क्या करना है कि अपनी गाड़ी में अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो उनके डेस्टिनेशन से कम 5 मिनट पहले अपने एसी को ऑफ़ कर दें, और एसी को ऑफ़ करने के बाद जब वो उतरेंगे तो जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इक्वलाइज हो जाएगा। पर अगर धूप में गाड़ी खड़ी की है, जब वो गाड़ी में आके फिर से बैठते हैं तो जो गाड़ी का टेम्परेचर है, इनर टेम्परेचर 70 से भी ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे में चारों खिड़की खोल दें और खोल के हवा को पास होने दें। इंजन को स्टार्ट जब करते हैं तो एसी में अंदर की हवा ना लें। अंदर की हवा लेने से क्या होता है, इंजन का जो वो होता है, करंट होता है, एयर करंट, उसमें कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, SO2 है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो 70 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर बन जाती हैं। तो पहले हमें बाहर की हवा लेनी है, अपनी विंडो को खोलना है, तो तब हमें अपनी गाड़ी स्टार्ट करके विंडो के शीशे उतार के एसी चला के कुछ समय तक फिर विंडो के शीशे ऑन करना है। लेकिन सभी लोगों को अपने साथ छाता रखना है। हम जब बाहर निकलते हैं गाड़ी से तो छाता होना चाहिए, सब कुछ कवर्ड होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे साथ पानी पूरी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। हम जितने भी फैमिली मेंबर बाहर निकले हैं, अधिकतर लोग अगर अंदर रहें इन दिनों में जब तक ये हीट वेव चल रही है, तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा एडिक्वेट पानी पीना है, तो किस तरह से लोग अंदाज़ा लगाएं कि उनके कितना वज़न है, किस तरह से एडिक्वेट पानी पी रहे हैं? हाँ, इसमें ऐसा करना है कि जो हमारा वेट है, सपोज हमारा वेट है 60 किलो, तो उसको हम आधा कर देते हैं 60 किलो को, आधा करके और उसको 10 से भाग करना है। जैसे 60 किलो का आधा 30 हो गया, 30 को 10 से भाग करेंगे तो 3 लीटर हो जाएगा। तो ऐसा ही हमें अपने वेट को आधा करके 10 से भाग करना है, तो एडिक्वेट हमारा जो वाटर इनटेक है वो उस इस फॉर्मूले से निकल आता है।
एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से हीट वेव चल रही है उससे बचने के उपाय तो बहुत ज़्यादातर लोग बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई उससे ग्रस्त हो जाता है और समय रहते किस तरह से उसका इलाज किया जाए? अगर कोई ग्रस्त होता है उससे तो उसको क्या होगा कि वो उसका बीपी कम हो जाएगा, इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, हमारी खून की नसें फैल जाती हैं और हार्ट से सारा जो हमारा खून का सर्कुलेशन है वो जो हमारी पैरों की नसें हैं वहाँ तक चला जाता है और एकदम बीपी फॉल हो जाता है। ऐसे में जो भी हेल्पिंग हैंड उनके पास सबसे पहले पहुँचता है उसको पैर ऊपर करने हैं उनके सबसे पहला काम, और अगर वो अनकॉन्शियस हैं तो उनके मुंह में पानी ना डालें, वो फेफड़े में जा सकता है, वो इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। उनके माथे पे पानी डालें, उनके पूरे बदन पे हम गीली चादर डाल दें और इमीडिएटली एम्बुलेंस को फ़ोन करें। वो जब तक एम्बुलेंस आए उस वक्त तक पैर को ऊपर करके ही रखना है, गीली चादर लगा के रखना है और एक छांव में रखना है उनको, जो भी केयर टेकर है। तो ये हीट स्ट्रोक से बचने का आसान तरीका है। फिर इमीडिएटली जब इमरजेंसी में जाएंगे तो उसको कोई ना कोई जो भी डॉक्टर होगा वो इमीडिएटली मैनेज कर लेगा। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी, जिन्होंने बताया कि इस गर्मियों में आपको किस तरह से अपना बचाव करना है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया।